इंक्लाइन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, और यहां से जो है हम लोग या थीटा को कुछ वैल्यू दे देते हैं 30 डिग्री है, और यहां से 60 डिग्री एंगल पे, यहां से 60 डिग्री एंगल लेंगे, ठीक है, इस बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं से कि 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब ये बॉल इस पे कहां पे जाके गिरेगा, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें तुम रेंज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जिस लेवल से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस लेवल पे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आउट ऑफ द पिक्चर है। अब इसको बनाने का तुम्हारे पास अलग अलग तरीका हो सकता है। जो सबसे सिंपल तरीका हमको दिखता है वो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, कि तुम इसके ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिख लो, इस लाइन का इक्वेशन पता है, और तब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि वो कहां पे जाएगा। बात समझ में आया, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो एक बार उस तरह से करके देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि इसको स्टैंडर्ड तरीका क्या है इसको हैंडल करने का। तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन अगर लिखना है तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये पूरा 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री चलाएगा। तो इसके ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू x tan 30 डिग्री माइनस g x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 3/4 आ जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 3 माइनस ये 10, इसमें से एक को खा जाएगा और ये दोनों से कट के 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। इस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, या हम लोग ये काम कर सकते हैं कि ये मान लो यहां पे जा रहा है, इस डिस्टेंस को आर मान ले, तो इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। अगर हमको पता है ओरिजिन यहां है, यहां से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस 30 डिग्री, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर साइन 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आर 3/2 कॉमा आर बाई 2 आएगा, लेकिन ये चूंकि नीचे की तरफ है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा। ये समझ में आया। अब सिंस ये पॉइंट इसके ट्रेजेक्ट्री पे लाई करता है, ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहां पे हम लोग उस वैल्यू को रख सकते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस आर बाई 2 इज इक्वल टू आर रूट 3/2 इंटू रूट 3 माइनस आर स्क्वायर इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। यहां से इस रूट थ्री को खा जाएंगे, एक आर सब में से हटा देंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा, इसको इस साइड ले आते हैं तो आर बाई, और ये 3 इसको खा गया और 5 आर मिलकर बचेगा 20 इज इक्वल टू, यहां पे बचा 1/2 और ये साइड जाएगा तो प्लस 1/2, यहां से आर का वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर। बात समझ गए, तो यहां से हम लोग रेंज निकाल लिए 20 मीटर होगा। पर दूसरा चीज अगर निकाल रहा हूं, मान लो इस इंक्लाइन से ये हाइट कितना होगा, तो अब जो है सो इस ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन से ये निकालने में तुमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता तो वो तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको ये पता चल गया आर तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जान रहे हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एक और अप्रोच होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो जो भी प्रोजेक्टाइल किसी इंक्लाइन के अलोंग होगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहेंगे। और वैसे केस में क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग
करते ये है कि जो इंक्लाइन है उस डायरेक्शन को अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको वाई एक्सिस मान लिए, ठीक है। तो अब हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं है, इंक्लाइन के अलोंग है, वाई एक्सिस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब एक्सेलरेशन का भी दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये जी है जिसको हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है, यानी 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इधर के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, जी साइन 30 डिग्री यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक बॉल को हम लोग 60 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए हैं, और हमारे फ्रेम में एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है सो दोनों डायरेक्शन एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो काम करते थे सो काम करेंगे, लेकिन आइडिया अभी भी वही रहेगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है, दोनों में एकमात्र रिलेशन टाइम का है, ठीक है। तो अब हमको बता दो कि इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री एंगल पे, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 10 साइन 60 डिग्री, ये आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप वर्टिकल मोशन को देखोगे तो एक बॉल को हम लोग 5√3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंके हैं, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस बॉल को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, और उतना ही टाइम फिर ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आया, सिंपल है। अब जो है सो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 10 कॉस 60 डिग्री यानी 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और 2 सेकेंड मोशन हो रहा है तो कितना दूर जाएगा, 10 मीटर नहीं होगा, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करोगे, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा रेंज, उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन 5 × time 2 + ½ × acceleration 5 × time² 4 ये लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 10 + 10, यह आ जाएगा 20 मीटर, तो रेंज 20 मीटर आ गया। प्रथम में आया मैक्सिमम हाइट क्या होगा, बॉल को जो ऊपर की तरफ फेंकते हो उस केस में मैक्सिमम हाइट v² / 2g होता है, तो यहां पे मैक्सिमम हाइट जो ऊपर की तरफ स्क्वायर स्पीड है उसका स्क्वायर यानी 25 × 3/2 × जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सो लेंगे, तो ये आ जाएगा 5√3, ये यहां से 5 आया और ये √3 आया, तो मैक्सिमम हाइट जो आएगा वो 5√3/2 होगा, ठीक है। पर यहां पे समझोगे कि ये बॉल का ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट नहीं है, बॉल का ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट ये होगा, हम लोग अभी जो हाइट निकाले हैं सो बॉल का इस इंक्लाइन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को निकाले कि बॉल इंक्लाइन से मैक्सिमम इतना डिस्टेंस पे जा रहा है, बात समझ गए। तो इसी को हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं, काम सिंपल है, तुम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हो अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हो अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, अब इसके बाद एक मोशन तुम्हारा अलोंग द इंक्लाइन हो जाता है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन डायरेक्शन को लेंगे वहां भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और इसका जो काम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे वही काम हम लोग यहां पे करते हैं।
बात समझ गए? इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।